उसके सभी दोस्त मेघनाथ मंदिर पहुंचने वाले थे और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। अन्य सीढ़ियां चढ़ते हुए कहती है, यार ये पुजारी जी ने हमें सुबह सुबह क्यों बुला लिया। रुद्र अनन्या के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, पता नहीं यार, उन्होंने चाची को भी नहीं बताया, बस इतना कहा था कि जल्द से जल्द रुद्र और उसके दोस्तों को मेघनाथ मंदिर भेज दीजिए। पीयूष हैरानी के साथ कहता है, लगता है कुछ खास बात है। समीर पीयूष का साथ देते हुए कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, बस समझ नहीं आ रहा ऐसी क्या बात है जिसके लिए पुजारी जी ने हमें मेघनाथ मंदिर बुलवा लिया। बल्कि इन्होंने ही तो कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। अनन्या हैरानी के साथ कहती है, कहीं ये छाया की नई चाल तो नहीं। तन्वी अनन्या की बात का विरोध करते हुए कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जितनी चाल छाया को चलनी थी वो चल चुकी, अब वो कोई नई चाल चलकर क्या करेगी। वैसे भी आज रात आखिरी नवजात बच्चे की बलि देने के बाद उसको एक नया शरीर मिल जाएगा, सब कुछ तो उसके मुताबिक चल रहा है, फिर वो नई चाल क्यों चलेगी। अर्जुन सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है, मुझे भी तन्वी की बात ठीक लगती है, ये कोई छाया की चाल नहीं है, बल्कि पुजारी जी ने खुद हमें यहाँ पर बुलाया है। समीर अर्जुन को देखते हुए कहता है, तू इतनी गारंटी के साथ कैसे बोल सकता है। वो ऐसे मेरे भाई, क्योंकि छाया एक चुड़ैल है और उसके पास कोई शरीर नहीं है, इसलिए वो मंदिर के अंदर नहीं घुस सकती। पीयूष अर्जुन से कहता है, चल मान ले तेरी बात की छाया की कोई चाल नहीं है, पर क्या तू बताएगा कि पुजारी जी ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। अर्जुन पीयूष के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, अब ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम लोग मंदिर के अंदर जाकर नीरज पुजारी से मिलेंगे। जब रुद्र और उसके दोस्त लोग मेघनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मंदिर के अंदर नीरज पुजारी ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी दोनों आंखें बंद थी और उनके हाथ उनके घुटनों पर थे। अर्जुन नीरज पुजारी को देखते हुए कहता है, लगता है नीरज पुजारी किसी साधना में बैठे हुए हैं, कहीं हम गलत वक्त पर तो नहीं आ गए। कोई अर्जुन के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही नीरज पुजारी कहते हैं, नहीं अर्जुन, तुम सब सही वक्त पर आए हो। सब लोग नीरज पुजारी की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि नीरज पुजारी की आंखें तो बंद हैं, फिर उन्हें कैसे पता चला कि हम लोग आ गए। धीरे धीरे करके रुद्र और उसके सभी दोस्त नीरज पुजारी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। जैसे ही रुद्र और उसके दोस्त लोग नीरज पुजारी के पास पहुंचते हैं, नीरज पुजारी अपनी आंखें खोल लेते हैं। रुद्र हाथ जोड़ते हुए नीरज पुजारी से कहता है, जय महाकाल पुजारी जी। नीरज पुजारी भी हाथ जोड़ते हुए जवाब देते हैं, जय महाकाल रुद्र। नीरज पुजारी की आंखों में देखते हुए रुद्र कहता है, आपने मुझे और मेरे दोस्तों को बुलाया था पुजारी जी। नीरज पुजारी रुद्र के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ रुद्र, हमने बुलाया था। एक बात है जो हमने तुमसे छुपाई है, सोचा वक्त आने पर ही तुम्हें बताएंगे, वही तुम्हारे लिए और सबके लिए ठीक होगा। रुद्र हैरानी के साथ कहता है, कैसी बात पुजारी जी। नीरज पुजारी रुद्र के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता और वो अपने आसपास देखने लग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। रुद्र नीरज पुजारी को देखते हुए कहता है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं पुजारी जी। नीरज पुजारी फिर से रुद्र के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। इस बार नीरज पुजारी पर दबाव बनाते हुए रुद्र कहता है, बताइए पुजारी जी, आपने हमें क्यों बुलाया है, ऐसी कौन सी बात थी जो आपने हमसे छुपा कर रखी थी। बताइए पुजारी जी, जल्दी बताइए, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। नीरज पुजारी रुद्र के सवाल का कोई जवाब देते उससे पहले ही मंदिर के दरवाजे से महेंद्र सिंह की आवाज सुनाई देती है, जय महाकाल पुजारी जी, जय महाकाल। नीरज पुजारी महेंद्र सिंह की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, जय महाकाल ठाकुर साहब, जय महाकाल। महेंद्र सिंह के साथ उसका नौकर गोपी भी बगल में ही खड़ा हुआ था। रुद्र और उसके सभी दोस्त महेंद्र सिंह उसके नौकर गोपी को मंदिर में देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये दोनों सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या पुजारी जी ने इन्हें भी यहाँ पर बुलाया। महेंद्र सिंह नीरज पुजारी से कहता है,
कैसे हैं पुजारी जी आप? हम ठीक हैं ठाकुर साहब, आप बताइए आप कैसे हैं? महेंद्र सिंह उदास मुंह बनाते हुए कहता है, आपको तो सब पता ही है पुजारी जी, आखिर जवान बेटे को खोने के बाद भला कोई बाप कैसा होगा। हम समझ सकते हैं ठाकुर साहब आपका दर्द, महेंद्र सिंह ने नीरज पुजारी से कहा। आप बताइए पुजारी जी, आज अचानक सवेरे सवेरे कैसे याद किया आपने? मैंने फोन पर भी पूछा, आपने कुछ बताया नहीं, कोई जरूरी बात है क्या? हाँ ठाकुर साहब, एक अत्यंत आवश्यक बात है जिसके लिए आप सभी को यहाँ पर बुलाना अति आवश्यक है। महेंद्र सिंह जल्दी से पूछते हैं, कैसी बात है पुजारी जी, जल्दी बताइए। नीरज पुजारी महेंद्र सिंह की बात का कुछ जवाब नहीं देते और अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहते हैं, आप सभी मेरे पीछे आइए। नीरज पुजारी मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और नीरज पुजारी के पीछे पीछे ही रुद्र और उसके सभी दोस्त भी और साथ ही साथ महेंद्र सिंह और गोपी भी बाहर निकल जाते हैं। मंदिर के बाहर ही कुछ ही दूरी पर नीरज पुजारी की कुटिया थी, वो उसके अंदर चले जाते हैं। सभी लोग कुटिया के अंदर घुस जाते हैं। कुटिया के अंदर बहुत अंधेरा था। नीरज पुजारी के बगल में ही एक लालटेन रखा हुआ था। नीरज पुजारी उस लालटेन को जला देते हैं। जैसे ही लालटेन जलता है कुटिया के अंदर उजाला हो जाता है। कुटिया के अंदर एक 3 फीट ऊंचा पत्थर रखा हुआ था। सभी लोग उस पत्थर को देखकर हैरान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े पत्थर को कुटिया के अंदर क्यों रखा गया है। नीरज पुजारी उस बड़े से पत्थर को अकेले वहां से हटाने लग जाते हैं। जैसे ही नीरज पुजारी उस बड़े से पत्थर को उसकी जगह से हटाते हैं तो सब लोग देखते हैं कि उस पत्थर के नीचे एक दरवाजा लगा हुआ था जो बहुत छोटा था। उस दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा किसी चीज की रखवाली कर रहा हो। नीरज पुजारी जब दरवाजा खोलते हैं तो उस दरवाजे के अंदर बहुत अंधेरा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस दरवाजे के अंदर क्या था। नीरज पुजारी कुटिया के अंदर से लालटेन उठाते हैं और अंधेरे के अंदर जाने लगते हैं। नीरज पुजारी अंधेरे में घुसते हुए कहते हैं, आप सब मेरे पीछे पीछे आइए। रुद्र अंधेरे में घुसते हुए जवाब देता है, जी पुजारी जी। सभी लोग नीरज पुजारी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। पीयूष हैरानी के साथ कहता है, यार ये तो कोई सुरंग की तरह लग रही है। अनन्या आगे बढ़ते हुए कहती है, मोटी इसमें सुरंग की तरह लगने वाली क्या बात है, सुरंग है तो सुरंग ही लगेगी ना। पता नहीं सुरंग का रास्ता कहाँ जाता है। समीर अनन्या के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, थोड़ी देर सब्र करो, सब पता चल जाएगा कि सुरंग का रास्ता कहाँ जाता है। सभी लोग अंधेरी सुरंग में एक के पीछे एक कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं। अजय और माखनलाल पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। अजय के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ आ रहा था कि वो बहुत टेंशन में है। टेंशन के कारण उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था। उसके चेहरे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। अचानक से अजय के हाथ की हथेली के पीछे बना हुआ सौदे का निशान जलने लग जाता है। अजय चिल्लाते हुए कहता है, मेरा हाथ। माखनलाल भागते हुए अजय के पास जाता है और उससे घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ साहब, क्या हुआ, आप चिल्लाए क्यों? अजय अपनी हथेली के पीछे बने सौदे के निशान को दिखाते हुए कहता है, वो माखनलाल, मेरे हाथ में बहुत तेज जलन हो रही है। मेरा हाथ। माखनलाल हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा साहब, हाथ में जलन हो रही है? बजरंगबली रक्षा करे साहब की। हाँ माखनलाल, बहुत तेज जलन हो रही है, मेरा हाथ बहुत तेज जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आग लग गई हो हाथ में। पानी पानी डालो इस पर माखनलाल। अजय पानी पानी बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पानी के ग्लास पर पड़ती है। वो अपने एक हाथ से पानी का ग्लास उठाता है और झट से अपने दूसरे हाथ पर फेंक देता है। वो जैसे ही अपने हाथ की हथेली के पीछे बने सौदे के निशान पर पानी फेंकता है, उसके हाथ से धुआं निकलने लग जाता है और उसका हाथ और तेज जलने लग जाता है। अजय दर्द के मारे और तेज तेज चिल्लाने लग जाता है, मेरा हाथ, मेरा हाथ। माखनलाल हैरानी के साथ अजय के हाथ के सौदे के निशान को देखते हुए कहता है, साहब
इस निशान की जलन ऐसे खत्म नहीं होने वाली। फिर कैसे खत्म होगी माखनलाल? साहब आप भूल गए आज क्या है? अजय हैरानी के साथ कहता है, क्या है माखनलाल? माखनलाल फुसफुसाते हुए कहता है, आज अमावस्या है साहब, आप भूल गए आज छाया 46 नवजात बच्चे की बलि देने वाली है। याद है माखनलाल, आखिर वो 46 नवजात बलि के लिए मुझे जो लाकर देना है। तभी तो ये निशान चल रहा है साहब, ये आपको अलर्ट कर रहा है कि सौदा पूरा करने का वक्त आ गया है। फिर आपने कुछ सोचा है कहाँ से चोरी करना है वो नवजात बच्चा साहब? अजय धीरे से जवाब देता है, हाँ माखनलाल मैंने सोच लिया है। फिर रुके क्यों है साहब, जल्दी बताइए कहाँ से चोरी करना है बच्चा साहब? चिरायू हॉस्पिटल से माखनलाल। माखनलाल हैरानी के साथ कहता है, ये तो वही हॉस्पिटल है ना साहब जहाँ पर डॉक्टर माधवी काम करती है? हाँ माखनलाल, ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर माधवी काम करती है। पता चला है कि आज ही एक सुबह सुबह बच्चे ने वहाँ पर जन्म लिया है। अच्छा ठीक है साहब, फिर बच्चा चोरी करने आपके साथ मैं भी चलूंगा। अजय झट से कहता है, नहीं नहीं माखनलाल तुम नहीं। माखनलाल हैरानी के साथ कहता है, पर क्यों साहब, मैं क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि तुम्हें कहीं और जाना है माखनलाल। कहाँ जाना है साहब मुझे? बलि देने के लिए छाया ने कुछ सामान भी मुझसे मंगवाया है। माखनलाल हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा साहब सामान? पर छाया ने आपको ये कब बताया? माखनलाल कल रात छाया मेरे सपने में आई थी, तब उसने मुझे सामान के बारे में बताया था। एक काम करो, सामान की लिस्ट मैंने बना ली है, तुम जाकर ये सामान जमा करो और मैं नवजात बच्चा चोरी करके लाता हूँ। माखनलाल अजय के हाथ से सामान की लिस्ट लेते हुए कहता है, ठीक है साहब आप फिक्र मत कीजिए, रात तक मैं ये सामान लेकर पहुँच जाऊंगा। बताइए कहाँ पर लाना है? मैं एक गाँव में माखनलाल। माखनलाल डरते हुए कहता है, क्या कहा साहब आपने? मैं गाँव में? हाँ माखनलाल डरो मत, छाया के साथ मैंने अपनी रूह का सौदा किया है तुम्हारी और रुद्र की जान के बदले, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी। वो सब तो ठीक है साहब, पर आपको क्या लगता है 46 नवजात बच्चे की बलि देने के बाद छाया सबको आराम से जीने देगी? नहीं साहब, बल्कि वो सबका जीना आराम कर देगी। माखनलाल मुझे नहीं पता कि 46 नवजात बच्चे की बलि देने के बाद छाया लोगों का जीना हराम करेगी या नहीं, पर अभी हमारे पास सौदा पूरा करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। माखनलाल छत की तरफ देखते हुए कहता है, सही कहा साहब, भोलेनाथ सबकी रक्षा करें। नीरज पुजारी लालटेन लेकर सुरंग के अंदर चलते जा रहे थे और उन्हीं के पीछे पीछे बाकी सब लोग भी चलते जा रहे थे। गोपी सुरंग के अंदर चलते चलते धीरे से महेंद्र सिंह से कहता है, मालिक इस सुरंग के बारे में तो हमें पता ही नहीं था, देखकर लगता है कि बहुत पुरानी सुरंग है, न जाने पुजारी जी ने इतनी बड़ी सुरंग कब खोद ली। महेंद्र सिंह गोपी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, पता नहीं गोपी, पुजारी जी ने सुरंग कब खोद ली, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। चलते चलते नीरज पुजारी एक जगह आकर रुक जाते हैं। तन्वी के आगे आगे अनन्या चल रही थी, अनन्या भी चलते चलते रुक जाती है। अनन्या को रुकते हुए देखकर तन्वी कहती है, क्या हुआ अनन्या, तू रुक क्यों गई? अनन्या पीछे मुड़ते हुए कहती है, मैं क्या करूं तन्वी, ये मोटा पीयूष ही आगे नहीं बढ़ रहा है। अनन्या के आगे पीयूष चल रहा था। पीयूष कहता है, ये मेरे आगे वाला चलेगा तभी तो मैं चलूंगा ना। पीयूष के आगे रुद्र चल रहा था। पीयूष रुद्र के कंधे को हिलाते हुए कहता है, क्या हुआ रुद्र, तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? रुद्र पीयूष के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। रुद्र हैरानी के साथ खड़ा हुआ था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था। पीयूष रुद्र से चिढ़ते हुए कहता है, अरे तू बताएगा भी कि क्यों रुक गया? रुद्र फिर से कोई जवाब नहीं देता। पीयूष रुद्र को साइड हटाते हुए कहता है, हट जरा, मुझे देखने दे कि आखिर ऐसा क्या है जो तेरे पैर यहीं पर जम गए। जब पीयूष रुद्र को साइड हटाकर सामने देखता है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भी हैरानी के साथ वहीं पर खड़ा हो जाता है। अनन्या पीयूष को हिलाते हुए कहती है, ये पीयूष क्या हुआ यार, कुछ बोलेगा भी सामने क्या है, बताएगा? पीयूष अनन्या के सवाल का कोई जवाब नहीं देता।
अनन्या पीयूष को हटाती है और जब वो सामने देखती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। वो मूर्ति बनकर खड़ी हो जाती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अचानक से पीयूष जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, भूत भूत भूत। तन्वी, अर्जुन, समीर, महेंद्र सिंह और लालू पीयूष के चिल्लाने की आवाज सुनकर डर जाते हैं।